दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिलिट्री बेस में आपको ऐसे प्लेन काफी सारे देखने को मिल जाते हैं। दूर दूर तक आप देखोगे ना तो आपको ऐसे प्लेन देखने को मिल जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इन प्लेन के अंदर आप कैसे जा सकते हो। जहाँ दोस्तों सही सुना आपने, अगर मान लीजिए इस प्लेन के अंदर आप चले जाते हो तो यार आसानी से अगर मिलिट्री बेस में सर्कल बना तो चिकन डिनर तो यार आपके हाथ में है, आपके हाथ से कोई छीन नहीं सकता। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा ये ट्रिक कि आप इस प्लेन के अंदर कैसे जा सकते हो और वहां पे अंदर जाके आसानी से कैंप कर सकते हो, सारे के सारे बंदों को किल कर सकते हो। कोई बंदा आपको नहीं देख सकता लेकिन आप सारे बंदों को आसानी से देखकर मार सकते हो। तो यहां पे मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चलिए हम सीधा वीडियो में स्टार्ट करते हैं। अगर आपको दोस्तों ये ट्रिक और ये वीडियो पसंद आएगी तो यार इस वीडियो को लाइक का टारगेट जो है ना 5000 है, 5000 लाइक तो यार कर देना प्लीज। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको अपना लोकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिलिट्री बेस का ये जो बहुत सारे टूटे फूटे प्लेन हैं और यहाँ पे कुछ प्लेन सही हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ठीक ठाक प्लेन है। अब मैं आपको बताऊंगा इस प्लेन के अंदर हम कैसे जा सकते हैं और कैसे कैंप कर सकते हैं अगर यहाँ पे लास्ट सर्कल बनता है तो इस प्लेन के अंदर आपको जाने के लिए ना सबसे पहले तो एक बग्गी चाहिए होगा। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं एक बग्गी यहाँ पे आपको बहुत सारी मिल जाती है मिलिट्री बेस में, तो यार हर एक आपको कार देखने को मिल जाती है और बहुत सारी बग्गी भी मिल जाती है। अब आपको एक बग्गी ला के यहाँ पे ऐसे खड़ी कर देने हैं, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे पीछे की साइड से आपको इसे लेके जाना है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं मैं लेके जा रहा हूँ, ऐसे ही आपको इसे लेके जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम बीचों बीच इसे ले जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम नीचे की साइड लेके जाना है आपको इस बग्गी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम आ चुका है बग्गी। अब आपको अपना सीट चेंज कर देना है। जैसे ही आप सीट चेंज करते हो आप देखोगे आप इस प्लेन के अंदर आ चुके हो और यहाँ पे आप देखोगे तो आप यहाँ से एकदम साफ दिख रहे हो। लेकिन दोस्तों आपको पता है आप इस प्लेन के अंदर आ चुके हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं आप इस प्लेन के अंदर आ चुके हो। अब कोई भी बंदा आपको नहीं देख सकता, अब आप सारे बंदों को किल कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं फायर कर रहा हूँ, बाहर तक फायरिंग हो रही है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं हर तरफ मैं फायर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं आपको सामने की तरफ दिखा रहा हूँ, अगर मान लीजिए सामने कोई बंदा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम मतलब कि इजीली फायर हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको इस गन से भी फायर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर कोई आसपास बंदा है ना तो भाई साहब यार मार सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से फायर हो रहा है और एमओ भी ख़त्म हो रही है। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस प्लेन के अंदर से ना सारे के सारे एनिमी को देख सकते हो। यहाँ पे आप देख लीजिए ईजिली फायर हो रहा है, आप बाहर की तरफ फायर कर सकते हो इस प्लेन के अंदर से। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता आप इस प्लेन के अंदर कैंप कर रहे हो, तो है ना ये कमाल की ट्रिक दोस्तों। अगर कोई यहाँ पे बंदा सांप बना है ना वो भी आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आप आसानी से जो है मार सकते हो। यहाँ पे आप खुद देख लीजिए। और अगर मान लीजिए आपका यहाँ से निकलने का मन करता है तो यार सिंपल सी ट्रिक है, यहाँ से बाहर निकल लो बग्घी पे, सीट चेंज करके निकल लो। यहाँ पे आपने देख लिया। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्लेन के अंदर आप जा सकते हो और कैंप कर सकते हो, छिप सकते हो और इजीली चिकन डिनर ले सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई तो यार इस वीडियो को लाइक मारो, ज़्यादा नहीं एम है सिर्फ 5000 लाइक का, तो यार 5000 लाइक पूरे कर दो। और अगर आप एक नए व्यूअर हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको पबजी से रिलेटेड सारी की सारी नई नई वीडियो देखने को मिल जाती है। थैंक यू दोस्तों।